एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। और देखिए, सुबह का समय और मैं बना रही हूँ बच्चों का लंच, और लंच में बना रही हूँ आज पनीर भुर्जी। तो मैंने इधर बनानी शुरू कर दी थी पनीर भुर्जी, और प्याज़ों को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। पहले सरसों का ऑयल डाला, हींग जीरा डालकर, और देखिए समय भी 6:30 हो गए हैं, और मैंने साथ में तवा भी रख दिया है क्योंकि लंच बनाना है फटाफट से। तो इसमें टमाटर डालूंगी आज मैं पनीर भुर्जी में। मैं अक्सर डालती नहीं हूँ पनीर भुर्जी में टमाटर, क्योंकि ना दोपहर तक खाएंगे बच्चे तो वो रूखी हो जाती है। टमाटर डालने से बिल्कुल ही रूखी नहीं होती और बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। और पनीर को मैं कद्दूकस कर लेती हूँ इस तरीके से, और देखिए इसमें टमाटर भी मैंने मिक्स कर दिए हैं और अच्छे से भून रही हूँ। और प्याज़ों को ज़्यादा मैं फ्राई नहीं करती पनीर भुर्जी में, क्योंकि फिर वो कड़क हो जाते हैं, और टमाटर डालने से ना बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहती। और इसमें मैंने देखिए थोड़ा सा दूध डाला और थोड़ी सी मलाई, तो पनीर भुर्जी में मैं अक्सर मलाई डालती हूँ, उसी से अच्छा बनता है। अगर खाली बिना मलाई के बनाएंगे तो रूखा रूखा बनेगा। तो थोड़ा सा इसमें लिक्विड रखेंगे और हल्का सा फ्राई करके मलाई को मसाले के साथ, तो इसमें पनीर जो हमने कद्दूकस किया उसको भी ऐड कर देंगे, और पनीर जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत स्वाद भी बना था, और दोपहर तक बिल्कुल सॉफ्ट रहा था। और देखिए पराठे भी बन गए साथ में, और इधर पनीर भुर्जी भी तैयार हो गई, और थोड़ी सी अभी लिक्विड ही लग रही है आपको, और दोपहर तक जो है बिल्कुल ये सॉफ्ट रहती है। फिर अगर हम दूध और मलाई वगैरह नहीं डालेंगे, टमाटर वगैरह, तो ये जो है ड्राई लगती है। तो आप भी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और देखिए नाश्ता बनाने के बाद मैं अब आपसे बात कर रही हूँ। व्लॉग तो मैंने सुबह शुरू कर लिया था, क्योंकि सुबह शुरू हो जाता है व्लॉग तो बन भी जाता है। और देखिए अभी मैं ऊपर छत पर आई हुई हूँ, और इतनी ज़्यादा गर्मी है, धूप बहुत तेज़ है, तो मैं अभी प्लांट्स को ही देखने आई थी, क्योंकि शाम को भी कल पानी नहीं डाला तो आज धूप में ही मजबूरी में पानी डालना पड़ गया। थोड़ा थोड़ा बादल बना हुआ है पर धूप है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी शेड में मैं छाया में खड़ी हूँ और आपसे बात कर रही हूँ। तो आज ना एक पुदीने में फूल खिला है, तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि ये प्याज वगैरह का कुछ बीज लगाया तो उसके पौधे निकल रहे हैं, पर मुझे पता नहीं था। तो ये रेन लिली खिल गई है, आज दिखाती हूँ आपको। और अपने आप ही कोई बीज वगैरह आया होगा या कुछ भी है, तो वो निकल आई है, येलो कलर की, बहुत ही प्यारी है, तो आपको दिखाती हूँ। और देखिए शूज़ प्लांटर, ये कितने सुंदर लगते हैं। तो आप भी इस तरीके से शूज़ प्लांटर, पुराने शूज़ वगैरह जो होते हैं तो उसमें प्लांट्स लगा के इस तरीके से हैंग कर सकते हैं, दीवार पर हैंग कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको रेन लिली। और देखिए मुझे तो ये रेन लिली ही लग रही है, आप बताइएगा कौन सा प्लांट है ये। येलो कलर का फूल भी आ गया इसमें, तो अब और अभी आएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत सुंदर लग रहा है ये। और भी मैंने फ्लावर्स लगाई थी ना कटिंग, जो वो भी लग गई हैं। ये 9 o'clock देखिए पिंक कलर का, ये धूप में ही खिलता है। इधर येलो कलर के भी खिले हुए हैं, धूप में पता नहीं दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, देखिए। और गुलाब की भी 2-3 कलियाँ खिल गई हैं। और ये जो सदाबहार के हैं ये खिलते रहते हैं फ्लावर्स। और ऊपर आई थी मैं, देखिए पानी कल से डाला नहीं था इनमें तो ये मुरझा रहे थे, तो पानी डाला है अभी इनमें, तो ये भी मुरझाया हुआ था, और धीरे धीरे ये खड़ा हो गया, देखिए अपने आप ही जैसे जैसे जड़ों में पानी जा रहा और ये खड़ा हो गया प्लांट। तो अभी ये भी थोड़ी देर बाद सही हो जाएगा, देखिए कैसे मुरझा गया। अच्छा भला प्लांट है, इनको पानी ना दो तो ऐसे मुरझा जाते हैं। और धूप खिली हुई है बहुत ज़्यादा। और देखिए अभी मैं शेड के नीचे बैठी हूँ, हवा तो बहुत अच्छी चल रही है पर गर्मी भी बहुत है, और आगे शक्ल के 12 बजे पर, तो नीचे चलते हैं अभी, और जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मेरी कोई वीडियो नहीं बन पाई थी, तो देखते हैं आगे कुछ बन पाता है या नहीं, तो जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। बने रहिएगा व्लॉग में, आप देखते रहिए, पूरा व्लॉग देखा कीजिए प्लीज़, फुल वॉच किया कीजिए। तो जो लोग स्किप कर करके देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। अगर देखनी हो तो फुल वॉच कीजिए, वरना वीडियो को टच मत किया कीजिए, इंप्रेशन डाउन हो जाता है, पहले ही व्यू बहुत कम आते हैं। तो जो लोग स्किप करके देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप फुल वीडियो देखा कीजिए। तो चलिए नीचे चलती हूँ मैं अभी, गर्मी बहुत हो रही है। और शहरी आया था मेरे साथ और चला गया वो नीचे, क्यों गर्मी में वो बैठता नहीं है, तो मैं अभी नीचे जा रही हूँ अभी धीरे धीरे। और देखिए ये पार्लर में फिर लड़कियाँ आ गई थी सीखने, तो उनको हेयर स्टाइल सिखा रही हूँ मैं अभी, ये तो बना रही थी वो, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी। डम्मी पे ही सीखती हैं ये, एक दूसरे पे फिर जब इनको आ जाता है तब बनाती हैं एक दूसरे के सर के ऊपर बालों में। तो देखिए इस तरीके से ही ये आ जाती हैं, 4, 4:15, 4:30 तक आती हैं और 6 बजे चली जाती हैं, और कुछ ना कुछ करती रहती हैं, मेकअप वगैरह, हेयर स्टाइल, और बहुत कुछ होता है इस कोर्स में। और देखिए अभी लड़कियां चली गई थी तो मैंने चाय रख ली थी, और साथ में
सैंडविच बनाया मैंने, सुबह बनाई थी केले की सब्जी सूखी, बच्चों को लंच में दी थी अगले दिन का है के लिए, तो बची हुई थी तो वैसे कोई खाता ना, तो उसमें मैंने थोड़ी सी मेयोनीज मिक्स करके तो सैंडविच बना लिए थे देखिए इस तरीके से। तो कोई भी सब्जी हो तो उसको सैंडविच में भरकर, ब्रेड में भरकर सैंडविच बनाकर खा सकते हैं आप। और चाय में, चाय के समय पर थोड़ी थोड़ी भूख लग जाती है, तो इस तरीके से सैंडविच बनाए थे। और देखिए अदरक मैंने चाय में डालने लगी थी तो ये एक टोकरी में पड़ा हुआ था, और देखिए अंकुर निकल आया इसमें से, तो मैंने आधा काट लिया है, तो इसे भी एक गमले में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, समय 7 बजने वाले हैं शाम के, और देखिए हालत कितनी ख़राब हो रही है। ऊपर आई थी छत पर पानी डालने, तो हवा थोड़ी थोड़ी चल भी रही है पर गर्मी बहुत हो रही है। बारिश तो एक हफ्ता हो गया आई भी नहीं, अभी प्लांट्स में पानी ही डाल रही थी। देखिए सभी प्लांट्स में भी पानी डाल रही हूँ, और थोड़ी थोड़ी कटिंग लगा दी है, ये वाली मैंने वंडरिंग जीव की यहाँ पे भी लगा दी, इधर भी लगाई है, तो काफ़ी जगह पे कटिंग लगा दी है, तो ग्रो हो जाएगी, तो हो ही जाती है इस सीज़न में कटिंग ग्रो। तो देखिए प्लांट्स सारे सुबह पानी डाला था और सारे मुरझाए हुए थे, तो अभी दोबारा से डाल रही हूँ। गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, और ये रेन लिली का फूल मुरझा गया जो खिला था देखिए। अब इसमें और बीज डाले हैं जो आपको दिखाए हैं मैंने, तो बस इनकी गुड़ाई वुड़ाई कर रही थी, यहाँ पे कटिंग लगाई है थोड़ी सी और देखिए इधर, और अदरक को मैंने इसके अंदर लगा दिया जीरा। तो ये प्लांट्स देखिए मुरझाए हुए, इनमें पानी डाल रही हूँ, और गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो आप भी ध्यान रखिए अपना। देखिए पानी डालने के लिए मैंने एक केनी रखी हुई है, तो इसी की बतख बना रखें, तो एक मैंने पानी डालने के लिए रखी हुई है, इसको भर भर के जल्दी से पानी डाला जाता नहीं, तो एक एक मग्गर डालो तो बहुत टाइम लगता है, और पाइप यहाँ पे लगता नहीं है छत पे, इसकी ये चीज़ जो है बहुत छोटी है, कम पानी आता है। तो चलिए अभी मैं पानी डाल लेती हूँ प्लांट्स में, फिर आपसे बात करती हूँ। और देखिए ये है मेरा डिनर, मैंने बनाया है मसाला ओट्स और लौकी की सब्ज़ी, एक कटोरी ली और थोड़ा सा सैलड। ये हरी मिर्च मैं ज़रूर खाती हूँ, तो आप भी वेट लॉस में हरी मिर्च ज़रूर अपने यूज़ कीजिए, और वेट लॉस करना कोई मुश्किल नहीं है। तो आज से मैंने ये जर्नी शुरू की है, पहले भी कर चुकी हूँ, अभी मेरा वेट बढ़ा हुआ है, तो रात का डिनर जो है मैं इस तरीके से लिया करूँगी, और सैलड की रेसिपी वगैरह मैं अब आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो देखिए इस तरीके से ही आप जो है डिनर में हल्का भोजन कीजिए, तो वेट लॉस अपने आप हो जाता है।